की गई है, लोग अपनी गाड़ियों को एक जगह लगा रहे हैं और पैदल ही या टू जी बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं बीकानेर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रोड शो कर रहे हैं और उसी का सीधा प्रसारण आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से लगातार बिना रुके लगातार अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं लोगों के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बीकानेर की ये शाम जहाँ पर प्रधानमंत्री आज अपने चुनावी कार्यक्रम के सिलसिले में रोड शो करने के लिए पहुंचे हुए हैं, आज लगातार तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में चुनाव प्रचार के सिलसिले में हैं। और बात सिर्फ आज की ही की जाए तो सबसे पहले उन्होंने पाली में चुनावी रैली को संबोधित किया, उसके बाद पीलीबंगा में भी जनसभा को संबोधित किया और फिर इस समय शाम में बीकानेर में वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान बड़े मुद्दे उठा रहे हैं और उन बड़े मुद्दे को उठाने के साथ जो राज्य की कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार है उसको निशाने पर ले रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर जो मुद्दे उठाए हैं, तुष्टिकरण का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महिलाओं की बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा है, दलितों की सुरक्षा का मुद्दा है, लाल डायरी वाला मामला है जिसमें प्रधानमंत्री ने आज भी कहा है कि डायरी तो लाल है लेकिन कारनामे काले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान के चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं और इसी सिलसिले में यह रोड शो प्रधानमंत्री का बीकानेर में लोगों में गजब का उत्साह, भारी तो ये लगातार रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान के बीकानेर में और लोगों में गजब का उत्साह। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। शैलेंद्र, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां लगातार तीसरे दिन आज राजस्थान में है शैलेंद्र, और ये रोड शो इस समय प्रधानमंत्री का चल रहा है, गजब का रिस्पॉन्स लोगों में गजब का उत्साह। शैलेंद्र, जनसभा को संबोधित किया और उसमें हमने देखा कि गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा, खास तौर पर ये केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के आसपास पड़ोस के जो राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो, वहां पर आप देखें तो पेट्रोल की कीमतें जो है उसके मुकाबले राजस्थान में 10 से 12 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं
और अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो इस पेट्रोल कीमतों की समीक्षा होगी। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में रोड शो कर रहे हैं, तो भारी भीड़ एक तरह से दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देख रहे हैं कि ये रोड शो जिसमें बीजेपी की रणनीति के लिहाज से देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ केंद्र के तमाम बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी भी हम चुनावी जनसभाएं देख रहे हैं। लेकिन इस रोड शो में जो भीड़ दिख रही है, जो उत्साह दिख रहा है जनता का, वो निश्चित तौर पर बीजेपी का, बीजेपी के रणनीतिकारों का उत्साह बढ़ाने वाला है और जनता का एक बड़ा समर्थन मिलता हुआ इस रोड शो में दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी जिस रणनीति पर आगे बढ़ना चाह रही है चुनाव प्रचार के लिहाज से, इसमें ये रोड शो बहुत महत्वपूर्ण है। चुनावी जनसभाएं हम देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से धुआंधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी के जो आला नेता है उनकी चुनावी जनसभाएं हो रही है। तो ये एक रणनीति का हिस्सा है कि जमकर चुनाव प्रचार किया जाए और बीजेपी इसके लिए जानी जाती है लालचंद, कोई कोर कसर नहीं छोड़ती और अपने शीर्ष नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बीजेपी, जिन्हें हम जानते हैं कि जिस बात को खासतौर पर पार्टी कहती है, और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के साथ साथ बीजेपी के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जो इस तरह के रोड शो करते हैं तो हम देखते हैं कि वो चाहे चुनावी वाले राज्य हो या फिर कहीं कहीं ऐसे राज्य में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां पर रोड शो करते हैं तो भारी भीड़ उमड़ती है, भारी भीड़ उन्हें देखने के लिए दिखाई देती है और खासतौर पर उसमें महिलाओं और युवाओं की बड़ी संख्या देखने को मिलती है। तो निश्चित तौर पर इस रोड शो में भी हम देख रहे हैं कि वही उत्साह जो हम तस्वीरों में पहले देखते रहे। बिल्कुल, आपने महिलाओं का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की जो कीमत है राजस्थान में सबसे ज़्यादा कीमत, उसका तो मुद्दा उठाया ही, महिला सुरक्षा के मुद्दे को भी बहुत प्रमुखता से प्रधानमंत्री अपने संबोधनों में उठा रहे हैं। कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है, ख़ास तौर पर जिस तरह राजस्थान में हमने लगातार ऐसी घटनाओं को देखा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ चाहे अन्य तरह के अपराध हों और यहाँ तक कि बलात्कार और हत्या जैसे अपराध भी हाल के दिनों में काफ़ी वहाँ पर उसका ग्राफ बढ़ा है। शैलेंद्र, देखिए राजचंद्र, इन तीन चार प्रमुख मुद्दों को बीजेपी राजस्थान के चुनाव में उठा रही है, उसमें हम देखते हैं कि महिला सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें बीजेपी ये कह रही है कि जैसे राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार का मामला है उसमें राजस्थान एक अग्रणी राज्य के तौर पर उभरा है और राजस्थान की जो गहलोत सरकार है उस मामले में वो महिलाओं पर अत्याचार रोकने के मामले में गंभीर नहीं रही है। और इनके ही राज्य के जब एक मंत्री ने जब एक बयान दिया विधानसभा के अंदर और कहा कि मर्दों का प्रदेश है, और वो शर्मनाक बयान को हम देख रहे हैं कि काफी जोर शोर से बीजेपी उस बात को जनता के सामने रख रही है कि कांग्रेस पार्टी को उसी वक्त मंत्रिमंडल से उस मंत्री को निकाल देना चाहिए था और उनको टिकट देने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये कांग्रेस पार्टी की सोच को दर्शाता है। हम देख रहे हैं कि चुनावी जनसभाओं में इस बात को बहुत जोर शोर से कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल की एक जनसभा में इस बात को कहा कि कांग्रेस पार्टी की ये सोच दर्शाता है कि वो महिला सुरक्षा को लेकर या महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है उसमें राजस्थान, हम जानते हैं कि उसमें राजस्थान एक अग्रणी राज्य के तौर पर जाना जाता है, तो कैसे कांग्रेस पार्टी इसको रोकेगी, उसको रोकने के लिए गंभीर है जब एक ऐसे नेता को फिर से टिकट दिया जाता है जिसने इतना शर्मनाक बयान दिया था और उस बयान के जानते हैं कि चौतरफा निंदा हुई थी। तो हम देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरने का काम बीजेपी राजस्थान में कर रही है और जो तीन चार प्रमुख मुद्दे हैं उसमें पेट्रोल की अधिक कीमत हो या फिर राजस्थान में जो अपराध के बढ़ते मामले हो, तो निश्चित तौर पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार एक अग्रणी मुद्दे के तौर पर बीजेपी जनता के सामने रख रही है कि देखिए राजस्थान की सरकार की प्राथमिकता में ये नहीं रहा है गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाए। और इसलिए हम देख रहे हैं कि जोर शोर से काफी चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के आला नेता हो या फिर स्थानीय नेता हो वो जोर शोर से इसे उठा भी रहे हैं। बिल्कुल, और महिलाओं की जो सुरक्षा है उसका तो मुद्दा प्रमुख है ही, लेकिन साथ में जिस तरह से कि राजस्थान में पिछले महीनों पिछले सालों दलितों के खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा
अपराध के मामले सामने आए तो दलितों की सुरक्षा का मुद्दा भी राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं। और शैलेंद्र, ये लग रहा है कि इस बार की विधान